का भी मोल्ड बचा हुआ है इसकी बॉडी पर, लेकिन मैं इसको हेटर लोग के लिए कुछ बोलना चाहूंगा भाई। मुझे हेट करो तुम्हारी नहीं गलती, अगर मैं भी तेरे जगह होता मेरी भी तो जलती। मुझे हेट करो तुम्हारी नहीं गलती, अगर मैं भी तेरे जगह होता मेरी भी तो जलती। ये बंदा कैसे जल्दी कमरे में लेके गलती ना, पर वो मुझे गलती से कहता। तो गाइस कैसे आप सब, मैं आपका अपना अमन प्रीहिस्टोरिक आपके पास फिर से एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ। गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है और एक बहुत ही बड़े गैप के बाद आज हम लोग यूट्यूब पर वापस आ चुके हैं। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, एक बहुत बुरे वक्त के थ्रू जा रहा था मैं और बहुत मतलब गलत सिचुएशन में था, लेकिन मैं अभी आप सबको ये सब बता नहीं सकता हूँ। मैं 2-3 वीडियोस के बाद ज़रूर बताऊंगा कि मैं किस में था, लेकिन मैं आज का वीडियो कंटिन्यू करना चाहता हूँ जो कि थंबनेल आप देखकर यहाँ पर आए हो। और जो आज हमारा कंटेंट है एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बहुत प्यारा कंटेंट और आप सब बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाला कंटेंट बनाया है आज। ये आज हमारे साथ है एग्जॉटिक स्नैक जो कि इंडिया के सबसे 5-स्टार्टर स्नैक्स में सबसे पहला आता है। ओके, और ये है हमारा कॉर्न स्नैक। कॉर्न स्नैक असल में US में मिलते हैं, लेकिन इंडिया में ये इसलिए अवेलेबल है क्योंकि किसी ने इसको लीगली या इलीगली लेकर आ गया होगा इंडिया में, और इंडिया में लाने के बाद ये ब्रीड हो रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर ब्रीड हो रहे हैं और यहाँ पे इसको लीगली सेल कर रहे हैं लोग। ओके, और इसलिए ये सबसे फर्स्ट स्टार्टर स्नैक्स में आते हैं क्योंकि ये बहुत डोसाइल होते हैं, बहुत शांत होते हैं, इनका मेंटेनेंस हाई नहीं होता है और बहुत लो मेंटेनेंस वाले स्नैक है जो कि फीडिंग इश्यूज़ बहुत कम देते हैं गाइस। और जैसे कि अभी आप देखने वाले हो मेरे पास कॉर्न स्नैक है और वो भी अल्बिनिज्म में है। अल्बिनिज्म यानी कि समझ गया, आपको इससे पहले बताया था वीडियो में। और ये स्नो कॉर्न स्नैक है जो कि मतलब एक अल्बिनो ही है, लेकिन इसमें एक मॉर्फ है स्नो जो कि मतलब कॉर्न स्नैक को दिया गया है। तो आप रिसर्च कर सकते हो, उसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है। ये सबस्ट्रेट मैंने गलत यूज़ किया है गाइस, एनॉय मत होना प्लीज़, मतलब भड़क नहीं जाना, क्योंकि इसका रीज़न ये है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है क्योंकि हाइड्रेशन नहीं थी स्नैक में, डिहाइड्रेटेड था थोड़ा, तो ये गीला वीला करके थोड़ा सा रखे थे ताकि वो थोड़ा हेल्दी हो जाए। और इसमें फीडिंग वगैरह भी ले रहा था वो, और शेडिंग करने में ईजी पड़ रहा था उसे, इसलिए छोटे एनक्लोजर में इसलिए रखा है कि फीडिंग छोड़ते तो ज़्यादा भागने के लिए जगह नहीं मिले। और इसके हेल्दी होने तक ये थोड़ा मतलब 10-15 दिन इसमें ही रहेगा। और मैं आप सबको बता दूँ स्नैक कहाँ पर है। स्नैक यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है हमारा स्नो कॉर्न जिसको मैं अभी निकालने वाला हूँ। लेकिन ये निकालने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं कुछ टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, जो टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं अभी। हाँ गाइज, ये टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और आपके लिए बहुत मज़ेदार रहेगा वीडियो, एंड तक बने रहना। और एक कोलैबोरेशन के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ गाइज, जो कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मेरा, शायद से ये चैनल पर ना आए लेकिन दूसरे चैनल पर आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं वो सब। ओके गाइज, आगे बढ़ते वीडियो में, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, चलो करते हैं। कॉर्न स्नैक की साइज़, की साइज़ होती है अप्रॉक्स 4-5 feet, लेकिन रिकॉर्डेड साइज़ जो है वो है 7 feet। 7 feet यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा शायद से, ऐसा कुछ होगा, लेकिन 4-5 feet अप्रॉक्स होती है साइज़ कॉर्न स्नैक की। ओके, और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आपको उतना कैपेसिटी होनी चाहिए गाइस, उतना साइज़ बढ़ाने के लिए। ओके, और बात करता हूँ मैं अभी, साइज़ तो आपको डिस्कस कर दिया 4-5 feet तक अप्रॉक्स होगी, लेकिन लाइफ स्पैन मतलब कि ये सांप कितने दिन तक जिएगा, कितने दिन तक आपके पास रह सकता है इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी में गाइस इस स्नैक के बारे में बताया गया है कि ये 18-20 साल तक रहते हैं लोगों के साथ, और इसका रिकॉर्ड है, कैप्टिविटी का रिकॉर्ड ये है 30 ईयर्स तक एक बंदे के पास था कॉर्न स्नैक, US में ही था उस बंदे के पास 30 ईयर्स तक, मतलब आप सोच सकते हो 10 साल ज़्यादा। और ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तो मतलब आपको कैप्टिविटी का 20 ईयर बोला है, और 30 ईयर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल उसकी नसीब होगी गाइस, और क्या बोलूँ। अभी बात करता हूँ मैं लाइफ स्पैन और साइज़ का, तो बता दिया आपको, बताता हूँ एनक्लोजर के बारे में। एनक्लोजर गाइस ये बहुत ही ज़्यादा छोटा एनक्लोजर मैंने इसको दिखाया इधर, क्योंकि इसको फीडिंग इश्यूज़ थे पहले, इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया था। फीडिंग इश्यूज़ इसलिए थे क्योंकि ये ट्रैवल कर आया था, और मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि इसको संभालने, इसको ठीक करने, तो मैंने अपने तरफ से फुल ट्राई किया और ये फीडिंग लेने लग गया है। फीडिंग का फ़ोटो देखो, ये फीडिंग लिया इसने और अच्छा खासा बैठा था, मैं तो मैंने फ़ोटो ले लिया। मैं निकाल के इसको लाइव दिखाता हूँ आप सबको, कहा हो बिटवा। बहुत ही प्यारा स्नैक है गाइस, हल्का हल्का भी मोल्ड बचा हुआ है इसकी बॉडी पर, लेकिन मैं इसको ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ मोल्ड करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही प्यारा स्नैक है गाइस, बहुत छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा है, देखो बस हाथ पे मूव ऑन होते जा रहा है।
ऐसा देखो कितना प्यारा है यार गाइस, आप लोग देख रहे हो ना कितना, मतलब एक छोटा सा प्यारा सा स्नेक आपको देखने मिल रहा है, और जो कि लीगली इंडिया में, मतलब आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो इसको लेकर, अपने पास रख कर आपका ड्रीम पूरा कर सकते हो, एक स्नेक पालना है मतलब, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आपको बता दूँ, फीडिंग की बात किया ही हूँ मैंने, तो ये फीडिंग में लेते क्या है वो भी बता दूँ आपको। छोटे जो स्नैक्स होते हैं ना, ये छोटे वाले, इतने छोटे बच्चे जो होते हैं कॉर्न स्नैक के, वो लेंगे पिंकीज़। पिंकीज़ यानी कि माइस, जब बच्चा देता है कोई माइस या रैट, तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, उसे ही गाइस हम लोग पिंकीज़ कहते हैं। मतलब अभी किसने नाम रखा है वो पता नहीं है, पिंकी तो मैं एक जन को जानता हूँ गली में रहती है पीछे, पिंकी, उसका उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा, वो थोड़ा पर्सनल है। लेकिन फ़िलहाल ये लोग पिंकीज़ खाते हैं, और बड़े होने पर माइस और दूसरे चिक्स, मतलब कि चिक्स मतलब वो वाली चिक्स नहीं गाइस, ये मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, मतलब इनके साइज़ बहुत अच्छी खासी बड़े होने के बाद ये मुर्गी के बच्चों को और बड़े रैट्स को खा सकते हैं, रैट्स नहीं मतलब माइस को खा सकते हैं, ओके। लेकिन मैं एक और चीज़ प्रीफर करूँगा गाइस, आप लोग फ्रोज़न वाला जो फूड देते हो, फ्रोज़न माइस या फ्रोज़न रैट देते हो, जो भी देते हो फ्रोज़न में अगर दे रहे हो, तो गाइस मैं तो प्रीफर नहीं करता फ्रोज़न कोई भी चीज़ देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मर जाने के बाद कुछ तो कम हो जाता होगा उनमें, कुछ ना कम ज़्यादा हो जाता, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं लाइव फीडिंग ही देता हूँ कोई भी स्नैक को, और मैं वही प्रीफर करता हूँ क्योंकि इनको नेचर में वही मिलता है, तो अपने को वही ट्राई करना चाहिए देना उनको, क्योंकि फिर उतना मतलब अपने को उतना रिज़ल्ट मिलेगा कि नेचर में जो उनका साइज़ होता है उतना रिज़ल्ट हमको अपने घर पर मिल सकता है, ओके। और एक और चीज़ आप सबको बता दूँ कि बास्किंग ज़रूरी है स्नैक्स को गाइस, बास्किंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग सर्वे को ध्यान से देख लो यार, ये देखो बहुत ही प्रिटी स्नैक है यार, ये मत देखो यार, ये तो अच्छा है, ये देखो बास्किंग की बात कर रहा था। बास्किंग देना बहुत ज़रूरी होता है स्नैक्स को, क्योंकि वो उनकी फीडिंग लिया हुआ जो रहता है पेट में वो डाइजेस्ट करता है, और डाइजेशन बहुत ज़रूरी है इनकी साइज़ को बढ़ने के लिए। अगर आप बास्किंग वगैरह नहीं देते हो, या हीट पैड भी लगा सकते हो, हीट पैड भी आपका काम कर सकता है, लेकिन मैं तो प्रीफर करूँगा नेचुरल बास्किंग ही दो। घर के बाहर अगर धूप आती है, अच्छी खासी नरम धूप आती है, तो आप वो देना, तो वो ही प्रीफर करता हूँ मैं, उससे बेस्ट रिज़ल्ट आता है स्नैक्स और आपके बाकी रेप्टाइल्स में बेस्ट रिज़ल्ट आता है जो नेचुरल बास्किंग में, ओके। और एक और चीज़, एनक्लोजर तो मैंने ये बहुत छोटा रखा है, एनक्लोजर से रिलेटेड एक वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल आप सबको ये बताने के लिए वीडियो बनाया है कि मतलब कैसा इनको संभालना है, एनक्लोजर से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको एक और बात याद रखना है, अगर आपने पहले ही ले चुके हो कॉर्न स्नैक, तो एनक्लोजर में एक हाइडिंग प्लेस रखो। हाइडिंग प्लेस मोस्टली स्नैक को लगता ही है, वहाँ पर रिलैक्स करते हैं, वहाँ पर हाइड करके अपने आप को सेफ समझते हैं, तो वो बेस्ट रहता है उनके लिए, और वहाँ पर रहने की वजह से वो फीडिंग वगैरह भी लेते हैं। तो हाइड प्लेस तो आपको एक रखना ही चाहिए स्नैक्स के अंदर, स्नैक्स के एनक्लोजर के अंदर, स्नैक्स के अंदर नहीं डाल देना। चलो गाइस, तो ये सब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ इस वीडियो में, आप एक और बार चाहिए तो सामने से इसका लुक ले लें। बहुत प्यारा था स्नैक यार गाइस, और फिलहाल तो बहुत छोटा है, और मैं इसको ट्राई करूँगा बड़े होने के बाद भी इसको दिखाऊँ आप सबको, और मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ गाइस, आप लोग भी बने रहो मेरे YouTube पर। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, आगे सुनो, एक और चीज़ बता दूँ कि मैं अभी कोलैबोरेशन कर रहा हूँ गेम्स बाबा के साथ, जो कि उनके पास बहुत ही भारी भारी गेम्स है, जो कि मैं अनबॉक्सिंग करने खुद जाने वाला हूँ, लेकिन मैं खाली हाथ तो जाऊँगा नहीं, हमारे साथ कुछ दोस्त भी चलेंगे हमारे, जो कि मज़े करेंगे उनके साथ वहाँ पर, और थोड़ा डराएंगे, फिर अनबॉक्सिंग करेंगे, पहले उनको अनबॉक्सिंग करेंगे फिर गेम्स को करेंगे, क्या बोलते हो गाइस? ऐसी बस वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो मेरे चैनल को, और बस आपको वीडियो कंटेंट में जो भी कुछ कम ज़्यादा लगता है कमेंट में करके बोल दिया करो गाइस, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहता हो गाइस, आप सबको उधर वहाँ पर रिप्लाई भी मिल जाएगा, और आपके लिए नया कंटेंट आते रहेगा, तो आप लोग बस प्यार दिखाते रहो, और मिलते हैं वापस एक नए वीडियो में, शायद से नेक्स्ट वीडियो इनके साथ ही बनाऊँगा, ये भी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, दिखने में डेंजर है लेकिन इनके असली खूबी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। चलिए गाइस मिलते हैं, जा रहा हूँ मैं, बस प्यार दिखाते रहो गाइस, बाय बाय, सही है क्या?